गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। एक गांव में रामकृष्णा नाम का एक कुम्हारा रहता था। वो मिट्टी से मटके और खिलौने तैयार करके बेचता था। उसकी बीवी का नाम लक्ष्मी और बेटे का नाम निक्की था। दोनों रामकृष्णा को उसके काम में बहुत मदद करते थे। निक्की बहुत चालाक बच्चा था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। वो अपने दोस्तों से मिलकर बहुत प्यार से खेलता था। निक्की अपने पिताजी से मिट्टी के खिलौने कैसे तैयार करते हैं ये भी सीख लिया। स्कूल पूरा होते ही अपने पिताजी को खिलौने बनाने में मदद करता था। निक्की के क्लास में बन्नी नाम का एक बच्चा रहता था। उस स्कूल को बन्नी के दादाजी ने बनवाए थे। बन्नी वे बहुत पैसे वाले हैं और वो स्कूल उनके है कहकर बहुत घमंड दिखाता था। बन्नी गरीब विद्यार्थियों से अच्छे से बात नहीं करता था। उसके पिताजी ने दिया हुआ मिनी कार में वो रोज स्कूल आता था। एक बार निक्की क्लास में टीचर जो पढ़ा रहे थे वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। तब बन्नी ने निक्की के शर्ट के पीछे कुछ कीचड़ लगाया। क्लास होने के बाद बन्नी उनके फ्रेंड्स के साथ निक्की को दिखाते हुए, अरे देखो रे देखो, उसके शर्ट में कीचड़ लगा हुआ है। मिट्टी से काम करने वालों के शर्ट में ऐसे कीचड़ लगना बहुत साधारण की बात है। अरे ओए निक्की, घर जाकर अपनी माँ को तुम्हारा शर्ट अच्छे से धोने के लिए बोलो, कहकर निक्की का मजाक उड़ाया। फिर निक्की घर आया और उसके पिताजी से क्लास में जो भी हुआ वो सब बताया। देखो बेटा, क्लास में ऐसे बदमाशी करने वाले बच्चे तो होते हैं, उनको देखकर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, उनके बातों से शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, हम मिट्टी का काम ही करते हैं, मगर किसी का पेट पर मार के तो नहीं कमा रहे हैं ना, हम खुद के मेहनत से जी रहे हैं, इसलिए तुम गर्व से सर उठा के जियो बेटा। फिर अगले दिन स्कूल में निक्की के क्लास टीचर बच्चों से, देखिए बच्चों, इस बार के प्रोजेक्ट वर्क के लिए घर तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट दे रहे हैं। जो भी बहुत अच्छा घर तैयार करेगा उनको बहुत अच्छा प्राइज भी मिलेगा। इसलिए बच्चों, अब और 3 दिन में आपका कंपटीशन है, आप अपना अपना घर को तैयार करके लेकर आइए। तब बन्नी के फ्रेंड्स बन्नी से, यार इस कंपटीशन में तुम ही फर्स्ट आओगे यार, मेहनत करके तैयार करो। उसके लिए इतना मेहनत करके बनाना क्यों है, मेरे पिताजी को बताया तो एक रेडीमेड घर ऑर्डर कर देंगे, वो घर लाकर मैंने ही तैयार किया है कहकर बताऊंगा। जैसे भी मेरे पिताजी जो घर लाएंगे वो कीमती होगा और वैसे ही सुंदर भी होगा ना, और ये स्कूल ही हमारा है, मुझे ही फर्स्ट प्राइज आएगा। निक्की ने उसके घर में प्रोजेक्ट के बारे में बताया। बाद में निक्की ने मिट्टी से घर बनाना शुरू किया और फिर मिट्टी से बहुत मेहनत करके सुंदर सा घर बनाया। फिर कंपटीशन का दिन आ ही गया। बन्नी ने उसके पिताजी ने मंगवाया हुआ रेडीमेड घर लेकर आया और निक्की ने उसने जो तैयार किया वो मिट्टी का घर लेकर आया। तब उस स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों ने तैयार किया हुआ एक एक घर को जांच करते हुए जा रहा था। बन्नी जोश में आकर प्रिंसिपल को बुलाकर, सर वो सब देखने का क्या जरूरत है सर, इस तरह देखिए, जबरदस्त घर है, मैंने ही तैयार किया है सर, फर्स्ट प्राइज मुझे ही तो मिलेगा ना। बन्नी का घमंड को देखकर प्रिंसिपल को गुस्सा आया, ये घर तुमने ही तैयार किया है क्या? हाँ सर, मैंने ही तैयार किया है। ओहो, इसे कैसे तैयार किया और तैयार करने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जरा बताओ। तब बन्नी को क्या कहना है समझ में नहीं आकर, वो तो मैं कहकर कुछ नहीं कह पाया। ये घर तुमने तैयार नहीं किया है कहकर मुझे पता चल गया है। देखो बेटा, ये स्कूल भले ही तुम्हारा दादाजी ने बनवाए हैं, उसके वजह से तुमको हमेशा हर बात पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं। ये स्कूल को तुम्हारा दादाजी ने बनवाए हैं, उसमें तुम्हारा दादाजी का मेहनत और महानता सब कुछ है, मगर तुम्हारा महानता कुछ भी नहीं है। तब बन्नी ने अपना सर झुका लिया। उसके बाद प्रिंसिपल निक्की ने तैयार किया हुआ घर के पास आया। बाबू, ये घर तो बहुत अच्छा है, तुमने ही बनाया है क्या? कैसे बनाया, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया? सर, इसको मैंने ही हमारे दादाजी परदादाजी के जमाने का घर बनाया हूँ सर, ये इको फ्रेंडली घर है सर,
इसे मिट्टी से बनाया है। ऐसा घर अगर हम सही में बनाएंगे तो गर्मियों में भी एसी के बिना भी ठंडा रहेगा। उसके ऊपर इसे बनाने के लिए मैंने किसी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है सर। तब प्रिंसिपल को निकी के बातें और वैसे ही निकी का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। देखिए बच्चे, निक्की ने उसका घर को कितना अच्छा से बनाया, पर्यावरण के लिए काम आने वाला इको फ्रेंडली घर बनाया। इस कंपटीशन में निक्की को ही फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं, कहकर निक्की को 50,000 का कैश और वैसे ही डिग्री पढ़ने तक के लिए स्कॉलरशिप देंगे कहकर प्रॉमिस किया। फिर निक्की ने वो पैसे लाकर उसके पिताजी को दिया। तब निक्की के माँ पिता दोनों बहुत खुश हो गए।